नमस्कार, मामाज मील किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मार्बल केक, जो कि आप बिना ओवन के भी बना सकते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 3/4 कप ऑयल, 1 कप दही, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 2 टेबल स्पून अखरोट बारीक कटे हुए। केक बनाने के लिए हम सबसे पहले ये केक का टिन रेडी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, और इसमें ग्रीसिंग करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से, जहाँ जहाँ तेल लगा वहाँ वहाँ मैदा अच्छे से लग जाएगा ताकि केक चिपके नहीं। ये देखिए, इस तरह से ये केक टिन बिल्कुल तैयार हो गया है। आज हम इस पतीले में केक बनाएंगे। जिस तरह से हम ओवन को प्री हीट करते हैं, वैसे ही हम इस पतीले को भी पहले से गर्म होना रख देंगे। जब तक कि हम केक का बैटर बनाते हैं, तब तक इसको गर्म होने के लिए अबाउट 10 मिनट्स के लिए रखेंगे। अब हम सबसे पहले ये मैदे को छान लेंगे। ये हमारा मैदा छन चुका है, इसे हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे, जैसे 3/4 कप और 3/4 कप कर लेंगे। ये हमने मैदे को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट लिया है। एक में हम ये कस्टर्ड पाउडर छान देंगे, अब दूसरे में हम ये कोको पाउडर छान लेंगे। अब एक बाउल में हम दही डालेंगे और इसमें ये चीनी डाल देंगे, अच्छे से घोल लेंगे। ये चीनी घुल चुकी है, अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा डाल देंगे और बबल्स उठने तक इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, इसमें बबल्स आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और वनीला एसेंस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को भी हम आधा आधा बांट लेंगे, एक दूसरे डोंगे में निकाल लेंगे। अब ये वॉलनट्स जो हैं, हम ये कोको पाउडर वाले मिक्सचर में डाल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब जो कस्टर्ड पाउडर वाला है, वो हम सबसे पहले इसमें मिक्सचर में डाल के इसको घोल देंगे। ये देखिए, केक का बैटर, ये हमारा एक बैटर तैयार है। अब हम दूसरा कोको पाउडर वाला तैयार करेंगे। अब इसके अंदर कोको पाउडर वाला बैटर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा बैटर भी तैयार है। अब हम एक एक करके इसको कंटेनर में डालेंगे। अब हम टर्न बाय टर्न एक एक करके लेयर इसकी बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमने केक की पूरी लेयर्स बना रही हैं। अब इसको
इस तरह से डेकोरेट करके बेक करना रख देंगे। ये देखिए इस पतीले को हमने 10 मिनट तक गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम जाली रखेंगे। इस पे डायरेक्ट हम केक नहीं रखेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और अब इसको हम बंद करके रख देंगे। पहले 10 मिनट हम फुल फ्लेम पे गैस पे केक को रखेंगे, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे 35 मिनट के लिए। अगर आप उसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो पहले 10 मिनट 170 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करेंगे और उसके बाद उसका टेम्परेचर कम करके 150 कर देंगे। ये देखिए केक को रखे हुए 50 मिनट हो गए हैं, हम खोल के देखेंगे तैयार हुआ है या नहीं। देखिए इसमें से हम चाकू डालेंगे, इसका मतलब ये तैयार है बिल्कुल केक। देखिए इस तरह से हमारा ये केक तैयार है। अब हम केक को निकालेंगे, इस तरह से प्लेट ऊपर रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया केक बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।